हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अभी हम हनोई का ओल्ड क्वार्टर का सिटी सेंटर में वीकेंड मार्केट में हैं, जो कि वीकेंड नाइट मार्केट, जो कि फ्राइडे सैटरडे या संडे को है होता है। आज हम लोग फ्राइडे का दिन है, आज हम लोग वहाँ पर है। तो अभी नाइट मार्केट में क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए इन्जॉय कीजिए नाइट मार्केट ऑफ हनोई। यहाँ पे आपको ज़्यादातर वियतनामीज ट्रेडिशनल जो गुड्स है वही सब मिलेंगे गिफ्ट आइटम के लिए, आप यहाँ से यादगार का हिसाब से ले सकते हैं। और डेली नीड्स का भी सामान वगैरह जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होता है, आपको बार्गेनिंग माइंड पे रखना। ये नाइट मार्केट बहुत ही लंबा है, एकदम इधर से स्ट्रीट का इधर से शुरू होता है एकदम आखिर तक। तो आप टाइम लेकर आएँ और आराम से देखें, देख के अपने हिसाब से जो लगे बार्गेनिंग करके वो ले। यहाँ पे कॉफ़ी प्रोडक्ट्स का भरमार है, आप जो भी चाहे कॉफ़ी यहाँ मिलेगा।
फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जैसा भी है, तो अब जब भी यहाँ से परचेज करें तो थोड़ा देख के करें, यहाँ ज़्यादातर कॉपी आइटम ही है। तो मैंने अभी एक क्रॉक्स का जूता देखा था, तो उसने तो बताया कि ओरिजिनल है लेकिन वो कॉपी था, और रेट ही बता रहा था कि वो कॉपी है। अराउंड इंडियन में 1200 का है, लेकिन उतने में कॉपी लेने का फ़ायदा क्या है, बता रहा था कि ओरिजिनल ही लेना अच्छा है। ये आपका 150 मतलब 1.5 लाख RMB, 1.5 लाख आपका वियतनामी डॉन, 100 जो लिखा हुआ है मतलब 1 लाख डॉन, तो उसको आपको इंडियन में कन्वर्ट करना है, तो 3 से कन्वर्ट करना है। आप जब वियतनाम आएंगे तो आपको पहला थोड़ा करेंसी को समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, जो मुझे भी हुआ था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे। ये इसमें जैसे लाखों का जो फिगर रहता है ना, उसमें से आप 3 0 हटा के देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये नाइट मार्केट, ये नाइट मार्केट ऐसा लंबा चलता हुआ,
फ्रेंड्स, हम अपना नाइट मार्केट का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी हनोई सिटी से नाइट मार्केट से आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम अभी वियतनाम में ही रहेंगे, फिर एक नया वीडियो में नया शहर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।